हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वैष्णव वृंदा में। तो आज हम बन हैं बैंगन की शाही सब्जी। इसके लिए हमने लिया है आधा किलो बैंगन, दो बड़े साइज के लाल वाले आलू, दो अदरक, दो हरी मिर्च और हरा धनिया। ये हम इसको पहले कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने बैगन के भी चार टुकड़े कर लिए हैं। हमने एक बैगन के चार पीस बना लिए हैं और इसी प्रकार हमने आलूओं को भी लंबा लंबा काट लिया है और हमने टमाटर के बड़े बड़े टुकड़े काटे हैं क्योंकि हम इसको मिक्सी में प्यूरी करेंगे। और हमने अपने अदरक के भी बड़े बड़े पीसेस कर लिए क्योंकि हम इसको टमाटर के संग ही पीसेंगे। हमने अपनी मिर्चें बारीक बारीक काटी हैं और अपना धनिया भी बारीक बारीक काटा है। तो चलिए हम चलते हैं बैंगन आलू की सब्जी बनाने। तो हमने गैस जला ली है, अब हम इसमें डालेंगे अपना सरसों का तेल। तो हम इसमें आलू और बैंगन को फ्राई करेंगे। इसलिए हम डाल रहे हैं पहले बैगन फ्राई करने के लिए सरसों का तेल। तो फ्रेंड्स, जब तक हमारा ऑयल गरम हो रहा है जब तक हम अपने टमाटे की प्यूरी कर लेते हैं। तो इसमें हम डालते हैं पहले अपना अदरक, उसके बाद हम अपने टमाटर डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इसकी प्यूरी कर ली है और हमारा ऑयल भी अच्छे से गर्म हो गया है। तो हम इसको करेंगे लो और इसमें अपने बैगन को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में डालेंगे। इसको लो मीडियम आंच पर ही फ्राई करेंगे अच्छे सा कलर आने तक। बैगनों को हम अच्छा सुनहरी कलर आने तक फ्राई करेंगे और इसी तरीके से हम अपने आलू को भी फ्राई करेंगे। ये सब्जी शाही है इसलिए इसमें थोड़ा ऑयल ज़्यादा लगता है। थोड़ा सा इसमें ऑयल और डालेंगे और फिर इसमें हम आलू को भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमारे आलू भी फ्राई हो गए हैं, अब हम इन्हें भी निकाल लेंगे।
हमारे आलू फ्राई हो चुके हैं, अब हम दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स, सब्जी बनाने के लिए जो हमने लिए टमाटो और अदरक की प्यूरी बनाई थी वो हमारी ये प्यूरी, साथ ही हम डालेंगे धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, जीरा और देगी लाल मिर्च कलर के लिए। तो चलिए, हमने जो ऑयल डाला हुआ था फ्राई करने में आलू, इसी में हम डालेंगे ये अपना जीरा। फ्लेम करेंगे थोड़ी सी हाई, टमाटर को अच्छे से हम भूनेंगे इसमें, जब तक इस टमाटर का पानी सूखता है तब तक हम इसको ऐसे ही चला के पकाएंगे। इन सभी मसालों को हम अच्छा तेल छोड़ने तक पकाएंगे। हमारा मसाला अच्छे से भून गया है, इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि ये बहुत ही थिक सा हो गया को अच्छे से पकने के लिए। इसी स्टेज पे हम इसमें अपने आलू और बैंगन डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। आलू और बैंगन दोनों ही फ्राई करते समय गल चुके थे, इसलिए हम इसे अब ज्यादा नहीं पकाएंगे। तो हम इस सब्जी को 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा के रखेंगे।
हमारे आलू तो फ्राई होकर थोड़े खड़े रह गए, अच्छे से गल जाएंगे एकदम, क्योंकि ये लाल आलू है, जल्दी से नहीं गलता है, लेकिन फ्राई होने में थोड़ा गल गया भी गलाएंगे। तो फ्रेंड्स 2 मिनट हो चुके हैं और देखिए हमारी का कलर कितना ही प्यारा आया है। देखिए इसमें ही हम ऊपर से डालेंगे अब अभी अपना गरम मसाला। बारीक हरी मिर्ची काटी थी ऊपर से डालेंगे, मिक्स करेंगे और ये हमारी आलू बैंगन की सब्जी तैयार है। देखिए कितनी देखने में लजीज हुई है। आप भी बनाइए और आलू बैंगन की सब्जी को एंजॉय कीजिए। अभी हम इसको भोग लगाने के लिए ठाकुरजी के लिए हम आपको खाली परोस के दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स हमारी आलू बैंगन की सब्जी तैयार है और हमने रोटी भी बना ली है, तो चलते हैं अब इसका